के आसपास था, इसको हमने बाद में बढ़ा के 956 तक पहुंचाया है। अटल जलधारा मिशन एसडीजी के 6 नंबर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो उसमें अटल जलधारा मिशन माननीय प्रधानमंत्री 2019 में जो पहला मीटिंग नीति आयोग का किया था, उसमें उनका पहला लक्ष्य है हर घर में जल पहुंचाना है, और इसलिए उस डिपार्टमेंट को बहुत सारा स्ट्रेंथनिंग उन्होंने किया जल शक्ति मंत्रालय को। त्रिपुरा सरकार ने, मैं बहुत ही मैंने खुशी के साथ आपको बोलना चाहता हूँ, त्रिपुरा सरकार ने 2018 दिसंबर में हर घर में जल पहुंचाने का योजना चालू किया अटल जलधारा मिशन के माध्यम से, और उस कारण से हम लोगों ने अब तक 56,000 फैमिली को नल के माध्यम से पानी पहुंचा चुके हैं, और मुफ्त है वो कनेक्शन, एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, सबके घर में पहुंचा देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक इसको करने का ऐलान किया है, और त्रिपुरा सरकार ने 2022 दिसंबर के अंदर इसको कंप्लीट करने का ऐलान पहले कर चुका है। तो साथ ही साथ एसडीसी 7 एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में त्रिपुरा सरकार 466 मेगावाट पावर हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उसमें से त्रिपुरा में 24x7 माने 24 घंटा हमको बिजली मिलता है, और 160 मेगावाट बिजली हम बांग्लादेश को बेचते हैं, और पूरे देश में सबसे सस्ते पावर जो वो त्रिपुरा में ही होते, कमर्शियल पावर भी मात्र 9 रुपीज में त्रिपुरा में ही हम लोग देते हैं। एसडीसी 8 जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, हमारे ये नया सरकार आने के बाद अभी जो एनएससी नेशनल कैरियर सर्विस, इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुआ है त्रिपुरा में, अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं इसमें 1,76,000 आज के दिन में है, जो कि 2016 में ये 6,91,396 थी, तो वो जाके अभी 1,76,000 में आया। हमारा सरकार अभी 2 साल नहीं हुआ, 9 तारीख को 2 साल होगी। एसडीसी 9 जो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें 9 मार्च 2018 नया सरकार बनने के पहले 5,431 जो इकाई थे यूनिट की इंडस्ट्रियल, और एक डेढ़ साल में हम लोगों ने इसमें 2,816 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जोड़ा है, और अभी त्रिपुरा में